पहले आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को कोई परेशानी करने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बर्ड फ्लू इट इज़ कन्फाइंड टू एनिमल्स, ये इंसानों में नहीं पाया जाता है, ये इंसानों में नहीं ट्रांसमिट होता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता, इसलिए लोगों को कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्केयर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो चिकन पोल्ट्री, इट इज़ वेरी सेफ टू ईट चिकन एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जिसमें एग्स आते हैं, क्योंकि जब आप कुक करते हो पोल्ट्री, चाहे जिसमें चिकन आए या कोई भी चिकन प्रोडक्ट आए, एवरी जरासीम जितने भी होंगे इंक्लूडिंग दिस वायरस, वो भी मर जाता है। एंड सो हीटिंग किल्स ऑल वायरसेस इंक्लूडिंग दिस H5। हमने देखा कि कई दिनों से सेवरल स्टेट्स में के यहाँ पे बर्ड्स मर गए, जिसमें ख़ास तौर पर आपने ना क्रोज की बात की कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे कवे मरे पड़े थे और इवन केरला में डक्स में ये पाया गया, लेकिन जो हिमाचल में पाया गया वो H5N1 है, एक बर्ड फ्लू है, और जो केरला में पाया गया वो दूसरा स्ट्रेन था। लेकिन ये बर्ड फ्लू जो है अभी ये पोल्ट्री में, येस इट कैन गो फ्रॉम वन पोल्ट्री फॉर्म टू अनदर पोल्ट्री फॉर्म, सो इट कैन स्प्रेड। वेरी रेयरली केस रिपोर्ट्स है कि ह्यूमंस ऑल्सो हैव बीन इन्फेक्टेड, नॉट इन इंडिया, नॉट इन कश्मीर, बाहर की, बट दे वर वेरी रेयर केस रिपोर्ट्स, एंड दैट टू नॉट बाई ईटिंग दिस पोल्ट्री। उसमें देखा गया कि दोज हु वर डीलिंग विथ इट, फार्म हाउसेस में जिन जो स्लॉटर करते थे इनको, जो डिफेदर कर रहे थे, दैट्स वेरी रेयर। लेकिन बिला जो यहाँ पे लोगों में आप बोलते हो इंतशार है बर्ड फ्लू की वजह से, बिल्कुल दे शुड टेक दिस फेयर आउट फ्रॉम देयर हार्ट्स एंड माइंड्स, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन डिजीज एज ऑफ नाउ, ये एनिमल्स में है, दिस इज़ कन्फाइंड टू बर्ड्स। हाँ ये है कि मतलब जो यहाँ पे पोल्ट्री है इनमें फैल सकता है, और कश्मीर के हवाले से पोल्ट्री में ऐसे भी ये आ सकता है अगर आप लखनपुर बंद भी करोगे, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स आर द नेचुरल रिजर्वायर्स ऑफ दीज वायरसेस, और यहाँ पे जितने भी वेट लैंड्स हैं विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स कम हियर, और दे कैन इन्फेक्ट अवर डोमेस्टिक बर्ड्स, दैट मीन्स चिकन एंड डग्स, एंड सो फार्मर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू बी मेड अवेयर कि ऐसे भी आ सकता है ये, अगर आप जो बाकी पोल्ट्री है यहाँ पे इन्फ्लक्स उनका बंद भी करोगे बाय रोड, लेकिन माइग्रेटरी बर्ड्स को आप बंद नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे कम बाय एयर, दे ट्रेवल बाय एयर, सो यू कांट प्रोटेक्ट देम, यू कैन प्रिवेंट देयर एंट्री। तो इसीलिए फार्मर्स को हमको ये अवेयर करना है अबाउट द सिकनेस, कि बर्ड फ्लू क्या है, और जो वेटेनेरियंस हैं दे शुड डू एन इंटेंस सर्वेलेंस इन दीज फार्म हाउसेज, क्योंकि काफ़ी सारे जो है फार्म हाउसेज यहाँ पे हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, देर इज़ मशरूमिंग ऑफ इट, और वो सारे दे के नॉट आपका ट्विटर वगैरह नहीं देखते हैं, दे डोंट, दे आर नॉट ऑन द फेसबुक, सो यू हैव टू रीच आउट टू द फार्मर्स, उनको इस जो हवाले से अवेयर किया जाए कि बर्ड फ्लू क्या है, अगर आपके फार्म में कोई सिक हो गया इमिजिएटली दे शुड रिपोर्ट टू द वेटरनरी डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट, एंड जो वेटरनेरियंस हैं दे शुड ऑल्सो बी प्रोएक्टिव इन बेसिकली इंटेंस सर्वेलेंस और फॉर्म्स पे भी सैम्पलिंग ना रैंडम सैम्पलिंग, सो दैट दे सी दैट इट इज़ नॉट हियर इन कश्मीर, बिकॉज जब भी आप किसी फॉर्म में ये पाओगे यू हैव टू इमिजिएटली जो 3 किलोमीटर रेडियस जितने भी बर्ड्स वहाँ पे आते हैं यू शुड किल देम, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू प्रिवेंट दिस। दूसरा ये है आपको वो लॉजिस्टिक्स, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वेटरनेरियन शुड नॉट, देर इज़ अ चांस, दो ह्यूमंस में नहीं लेकिन दोज हु आर डीलिंग विद दिस देर इज़ अ चांस, इसलिए दोज वेटरनरी पीपल हु आर डीलिंग विद दिस सिक बर्ड्स दे शुड ऑलवेज बी इन द पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो वो है हेड कवर, यूनिफॉर्म लगा के होने चाहिए, सो दैट दे आर प्रिवेंटेड प्रोटेक्टेड
तो उनको ये ना लग जाए। और जो दवाई है इसमें वही है जो स्वाइन फ्लू में देते हैं, खुदा ना करे अगर किसी को लग जाएगा तो वो टैमीफ्लू हम देते हैं ना वेटरनेरियन को, या अगर वो डील करता है इन सिक बर्ड्स पे ही शुड टेक प्रोफाइलैक्सिस आल्सो जब तक वो फॉर्म में है जहाँ इन्फेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है बर्ड्स में, और बिला वसवास लोग पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, दे शुड ईट देम। इवन इफ़ वहाँ उस जगह भी आप ही खा सकते हो पोल्ट्री जहाँ पे आउटब्रेक होगा भी, बिकॉज कुकिंग किल्स ऑल वायरसेस इंक्लूडिंग दिस वायरस, सो देर इज़ नो नथिंग लाइक दैट आप पोल्ट्री नहीं खा सकते हो। ये तो गलत बात है। अगर किसी ने इंतशार फैलाया है, दोज पीपल शुड बी गॉट एंड टोल्ड वाई डिड यू स्प्रेड दिस रूमर कि नहीं आप नहीं खा सकते हो पोल्ट्री, दिस इज़ अनसाइंटिफिक। दैट इज़ वाई आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ उन्हीं लोगों को आप प्रमोट करो जो साइंटिफिक होंगे, जो नॉलेजेबल होंगे, जो इस फील्ड से होंगे। एरे गेरे लोग जब स्टेटमेंट्स देते हैं पीपल गेट स्केयर्ड, सो देर इज़ नथिंग टू बी फेयर्ड ऑफ, देर इज़ नथिंग दैट पीपल शुड नॉट पैनिक, दे शुड ईट दिस चिकन द वे दे वर डूइंग इट, बिकॉज देर इज़ नो बर्ड फ्लू हियर इन कश्मीर।